परम शांति। अभी जो सिचुएशन चल रही है उस पे बात कर रहा। देखो, विनाशकारी ग्रुप, हमेशा कहता हूँ विनाशकारी ग्रुप विनाश के लिए, 1936 से विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आप तो सब जानते हो, बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि केवल हम ही बचेंगे, बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाए, केवल हम ही बचेंगे। वो तो विनाशकारी ग्रुप माना कौरव हमेशा कहते हैं, इनके लिए योग करते हैं, वहां लाखों लोग योग करते हैं। और पांडव का काम है पॉजिटिवली परिवर्तन करना, मतलब लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने से पहले परम शांति का वाइब्रेशन भेजकर, उनको परम शांति का संदेश देकर, परम शांति का अनुभव कराकर, आत्माओं को मुक्ति देकर, मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। तो जो अभी जो हालत है कि इतना नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, तो नेगेटिविटी के कारण जो भी अभी वायरस फैल चुका है, दुनिया में फैल रहा है, ये तो जो 2017 से हमने परम शांति के वाइब्रेशन क्रिएट न किए होते और स्टिकर न लगवाए होंगे, होर्डिंग न लगाए होते हैं, 2017 से हमने तैयारी न की होती, तो 18-19 में ही ये जल्दी कोरोना का ये नेगेटिव रिएक्शन आता और कोई ना कोई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर करा रहे थे। जो कौरव हो तो कह ही रहे हैं ना, 76 में भी ना थर्ड वर्ल्ड वॉर होता, ऐसा 86 में होता ना, 96 में होता, 2000 में होता, 2012 तक होता। तो वो तो विनाशकारी ग्रुप है, वो तो विनाश के लिए सूक्ष्मतन में भी इनके पास बेहिसाब आत्माएं हैं जो विनाश विनाश करेंगे सूक्ष्मतन में। इसलिए उनका काम है विनाश करना, हमारा काम है परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर परम शांति देना और विनाश को रोकना, और सभी को परम शांति का अनुभव करना, सभी को परम शांति का अनुभव कराना, परम सुख का अनुभव कराना, और फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ये पांडवों का काम है, 108 बेहती आत्माओं का काम है, 108 हो चाहे 1008 हो, चाहे 16,000 हो, चाहे 9 लाख हो, कोई भी बेहत की आत्मा अगर आज परम शांति के वाइब्रेशन डालती है तो उनका बहुत बड़ा भाग्य बनता है। क्योंकि विनाशकारी तो मैं कहा हमेशा कह रहा था, 2016 से कह रहा हूँ विनाशकारी तैयार है, विनाशकारी तैयार है, विनाश हो जाएगा तो फिर क्या करोगे तुम। इसलिए 17 से ही हमने तैयारी बहुत फुल फोर्स में कर ली थी, मगर हमारे पास जो पांडवों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है, मुट्ठी भर है, आप देख रहे हो। इसलिए विनाश के सामने परम शांति के वाइब्रेशन दिलाओ। अभी धरती पर 200 किलोमीटर रेंज में ये देखना है कि धरती के 200 किलोमीटर ऊपर, चारों ओर धरती के चारों ओर 200 किलोमीटर रेंज में परम लाइट भरी है, 10 कला की परम लाइट भरी है, और उसमें परम शांति के वाइब्रेशन है। केवल परम लाइट से भी कुछ नहीं होगा, परम शांति के वाइब्रेशन जाने चाहिए। परम लाइट में परम शांति है, परम लाइट में परम शांति के वाइब्रेशन डालना है, यही सोचना है बार बार, और कुछ सोचना नहीं है। 200 किलोमीटर तक पूरी परम लाइट भरी है और परम शांति के वाइब्रेशन है। तो स्थूलोतन और सूक्ष्म, सूक्ष्मोतन तो धरती से भी ज़्यादा खराब है, लोग सूक्ष्मोतन वाले छोड़ छोड़ के ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। सभी अनेक धर्म मठ पंच संप की आत्माएं, भूत प्रेत सभी आत्माएं जा रही हैं ऊपर, मगर 2-3 किलोमीटर ऊपर से जा नहीं सकता, क्योंकि वायरस उनका वायु तत्व के सेल को भी पकड़ लेता है। इसलिए वायु तत्व का जहाँ सेल मिलता है वहाँ भी जाके, उसके सूक्ष्म शरीर में जाके उसको पकड़ता है और उसको दुख दर्द देता है। तो स्थूल वतन जितना खराब है, इससे सूक्ष्म वतन की हालत 2-3 किलोमीटर रेंज तक बहुत हालत खराब है। इसलिए अगर ऐसी हालत रही तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए योग शक्ति बढ़ाओ। ये टेस्टिंग है, 108 और बेहद की आत्माओं का टेस्टिंग है, कौरव पांडव की लड़ाई है। जैसे कौरव कहते हैं ना, ये 5-10 साल का वर्ल्ड ड्रामा है, और 5-10 साल के अंत में सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, केवल 9 लाख ही पांडव, जो वे अपने आप को पांडव कहते हैं, कौरव अपने आप को पांडव कहते हैं, मगर असली पांडव तो 108 और 1008 ही हैं। तो जो पांडव जो परम शांति के वाइब्रेशन डालते हैं, परम लाइट का अनुभव कराते हैं, परम सुख देते हैं, वो पांडव है। और जो विनाश के डायरेक्शन देकर विनाश विनाश अपने संकल्पों में विनाश विनाश करते रहते हैं, अंदर से तो खुश हो रहे हैं कौरव, कहाँ देखो हम कहते थे विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो वो आज विनाशकारियों का पलड़ा भारी है और परम शांति वालों का पलड़ा कम है, ये आज दिखाई देता है। बाकी बेहद की आत्माओं को
योग बल से ही राजय लेनी है, हमें सामानियों में भी कहा है। पांडव कैसे राजय, 108 को राजय कैसे मिलेगी? 108 की वाणी में बोला ना, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विष का मालिक बनाता है। तो उसमें ये सब स्पष्ट, सभी को अपनी सीट पे सेट होना है। सीट पे सेट होना माना पांडवों को अपनी सीट पे सेट होना माना परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर विनाशकारियों के संकल्पों को परिवर्तन करना, यही तो परिवर्तन है। विनाश के संकल्पों को परिवर्तन करना, विनाशकारियों को भी परम शांति बोलना, ये मजबूर करना। अंत में जब विनाशकारी देखेंगे अब विनाश नहीं हो रहा, विनाश रुक जाएगा, तब धीरे धीरे करके विनाश रुक जाएगा। जब पांडव योग करेंगे तो धीरे धीरे, तो फिर विनाशकारी सोचेंगे नहीं विनाश किसने रोका, और चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे सबको, तब सोचेंगे हम गलत थे, तब पश्चाताप होगा, बहुत बड़ा पश्चाताप करेंगे। इसलिए अभी पांडवों को ये एग्जाम है, ये पांडवों की एग्जाम है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने वालों को जितना हो सके इतना हर वक्त परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना है, परम शांति।